बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बक्स। व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हूं लियारी में, और लियारी की सबसे जो फेमस होटल है वो है चाची होटल। तो देखिए, यहां मेरा भाई है, ये पराठे लगा रहा है, और पराठे यहां के इतने फेमस हैं, मैक्सिमम सुबह ये तकरीबन 1000 पराठे लगाता है और शाम में भी 1000 पराठे। और चाय देखें इनकी इतनी फेमस है कि लोग खड़े हुए हैं, कुछ कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कस्टमर जो बाहर बैठे हुए हैं, हालांकि लाइट का यहां पर काफ़ी इशू चल रहा है, लेकिन दोनों जानब इस तरफ भी ये कस्टमर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हैं, और ये पार्सल के लिए जोग जोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इसी से आप लोग इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके क्वालिटी का, इनके मायार का, इनके पराठों का, और ख़ास तौर इनकी चाय का। तो यही वजह है कि ये कुछ बच्चे मेरे आए हुए हैं। बेटा, आप लोग चाय पीने आए हो? जी। कहाँ से आए? हम आगे से आए हैं। मतलब किस जगह से? जेकी मुल्ला। तो देखिए, ये मेरे बच्चे भी यहाँ से चाय पीने के लिए आए, तो इसी चीज़ का आप लोग अंदाज़ा लगा लोगे कितने ये होटल कितनी फेमस है। और चाय बहुत फेमस है, ये होटल है ना। तो बिल्कुल देखिए, ये मेरे बच्चे ने भी तस्दीक की है, कुछ मेरे बच्चे और भी खड़े हुए हैं। ब्या धीमा ब्या, ठीक है ना? कुछ चेत तक कैमरे कैमरे देमा माए देमा चतरी बाकी मस्जिद जेकी मोले अच्छे जेकी मोले जी आओ। तो देखें, ये मेरे बच्चे, ये लोग भी चाय पीने के लिए आए, हालांकि यंग हैं, चाय की इनको इतनी तलब नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी चाय की क्वालिटी ऐसी है कि लोग यहाँ पर खुद पर खुद किसे चले आते हैं। पराठे वाले खड़े हुए हैं, अब इनसे मैं पता करता हूँ क्यों वो काफ़ी हार्ड वर्क के अंदर ये लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना नाम? नाम ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक, कितने पराठे आप लगाते हो सुबह और कितने शाम? हेलो, कितने पराठे ये शाम में लगाते हैं और कितने सुबह? जी बेटा, लगाते हैं सुबह 1200 लगाते हैं, शाम को 600-800 लगाते हैं शाम को। शाम को? हाँ, यही शाम को 1-2 बजे तक होते, फिर 2 बजे बंद जाते हैं, सुबह 6 बजे फिर स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, शाम को कितने बजे स्टार्ट करते हो और रात को कितने बजे तक चलता रहता है? शाम को 7 बजे स्टार्ट होते हैं, रात को 2 बजे तक। रात को 2 बजे? हाँ। तो देखिए जी, आप अंदाज़ा लगा लें कि 1200 पराठे ये लगाते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, और ये नाइट में लगाते हैं तकरीबन 7 बजे स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद तकरीबन रात को ये बता रहे हैं कि 1-2 बजे तक। तो आसपास पराठे वाले और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इनके पराठे के अंदर काफ़ी जायका होगा, टेस्ट होगा, जो लोग यहाँ पर खींचे जा रहे हैं। तो ये मेन रोड पड़ता है बकरापीढ़ी, इसके अपोज चाकीवाड़ा, कलाकोट पुलिस स्टेशन, और ये रेस्ट होटल जो कहलाती है ये है छाछी। तो अब ज़रा चलते हैं चाय वाले की तरफ, ज़रा उनसे हम बात करते हैं तो काफ़ी बिजी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमसे 2-4 मिनट बात कर ही लेंगे। और देखें ये लोकेशन, ये तवा इनका देख ले। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, ये लकड़ी पे बनाते हैं, तो लकड़ी का जो क्वालिटी होती है वो माशाल्लाह, कोई भी खाना बनाओ तो लकड़ी के उसके ऊपर काफ़ी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन, चाहे आप सालन बनाओ, पराठे बनाओ, रोटी बनाओ, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। तो ये देखिए, मेरे भाई चाय बना रहे हैं, 3-3 पतीले इन्होंने चढ़ाए हुए हैं, कस्टमरों का तांता लगा हुआ है बाहर भी, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इनका पार्सल कोई जाना पर ले जाता है, कोई रंचो लेन, कोई आसपास कुंभारवाड़ा, हालांकि यहाँ पास बेताशा होटल है, लेकिन इनके क्वालिटी, इनके मायार का आप अंदाज़ा लगा लें तो यहाँ पर लोग क्यों आते हैं। ज़ाहिर है कि इनका जायका सबसे अलग है, सबसे मुनफरद है, अच्छी बनती है भाई। चलो, ये मेरे भाई एक और भी जा रहे हैं गठड़ी उठा के, ये भी कह रहे कि चाय अच्छी बनती है। तो सर, सबसे पहले अपना नाम और अपने रेस्टोरेंट और अपने होटल की ज़रा खूबी बता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक अब्बासी है, और होटल की चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और हमारी क्वालिटी एक नंबर है, एक नंबर। हम लोग पत्ती यूज़ करते हैं, सबसे हमारी मेन खूबी है कि हमारी पत्ती एक नंबर है।
और इंशाल्लाह कस्टमर की डीलिंग बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक भी नहीं है जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एहसास ने ये मुख्तसर बात की, क्योंकि को एक ही बंदा है ये जो चूल्हे के ऊपर खड़ा हुआ है, तीन तीन पतीले चढ़े हुए हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका। और इनके साथ खड़े हुए नदीम बड़ा नाइस बंदा है, अगर किसी कस्टमर के पास पैसे नहीं होते तो उनको पीछे से आवाज़ नहीं देता है नदीम जी, यही बात है। और आवाज़ किसी का भी नहीं देते हैं, दूसरे दिन भी आते हैं तो दे देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। दो तीन दिन के बाद भी आए तो बोलो तो पहले वाले भी दे देते हैं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है चोरी वोरी वाला। लेकिन ये कि किसी की बेइज्जती नहीं करते, किसी को आप पीछे से आवाज़ देके चार अंगुलियों के अंदर उसके आंखें नीचे नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे ख़ास बात इस रेस्टोरेंट की, इस होटल की ये, तो अल्लाह पाक इनके मजीद कारोबार में तरक्की दे। ज़रा आगे चलते हैं, एक आध और कोई ख़ास अगर मुसबत चीज़ नज़र आ गई तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यवस्था इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ एक भट्टी के ऊपर, तो भट्टी उसको कहते हैं, तकरीबन ये कल्चर है कि तीन कंट्रियों के अंदर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, बेसिकली अफगानिस्तान और ईरानी कल्चर है। तो अब ये पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है कि रस्म व रवाज कल्चर एक ही है, और इसके अलावा ये जैसे मिडल ईस्ट के कंट्री हो गई UAE, सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, तो वहाँ पर भी ये भट्टियाँ जो हमारे पठान भाई हैं उन्होंने लगाई हुई हैं। तो जो भट्टी की जो ब्रेड होती है वो बड़ी सॉफ्ट, जो तंदूर के अंदर होती है वो ज़रा ड्राई हो जाती है, कड़क हो जाती है। तो मैं ज़रा रिक्वेस्ट करूँगा अपने भाई से ज़रा लगा के दिखा दें। तो बड़ी सॉफ्ट रोटी बनती है, ये खाने में भी बड़ी ईजी पड़ती है और वो बेहतरीन रोटी होगी, उसका टेस्ट भी तंदूर के रोटी से काफ़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, रेट इसका पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूँ कि सेम प्राइस है, और दूसरी कंट्रियों के अंदर मैं UAE में भी गया हूँ या सऊदी अरबिया में भी, तो सेम भी मतलब एक दरम के अंदर है। और यहाँ पर एक जैसे रेट हाई हो रहे हैं तो 20 रुपये की एक रोटी है। तो भट्टी के रोटी आप लोग को ज़रूर ट्राई करें, मैं समझता हूँ कि देखें ये ज़रा रोटी दिखा दें आप, ये देखें कि माशाल्लाह ऐसे लगता है कि जैसे घर की रोटी है। तो हम भी यहाँ पर आए थे रोटी लेने के लिए, तो मैंने बोला ये जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जो हमें लोग देख रहे हैं तो उनको पता चले कि भाई इस तरीके से भी ये रोटी बनती है। बेटा आप कहाँ से हैं जी? कहाँ से आए? ये उस्मानाबाद। उस्मानाबाद से तो भट्टी की रोटी खरीदने आए हो, तंदूर की भट्टी? तो क्या डिफरेंसेस है भट्टी की रोटी में और तंदूर? भट्टी की रोटी अच्छी, खाने में जायका भी देती है और सही है। तंदूर वाली रोटी मोटी होती है, ये पतली चपाती की तरह होती है। बिल्कुल, ये ज़्यादा अच्छी। देखिए मेरे ये यंग बच्चा है खड़ा हुआ है, हालांकि उस्मानाबाद सप्रेस वेरी फार, दिस इज कमिंग बाय देयर बाय द चपाती भट्टी, तो इज आस्किंग मी द भट्टी इज ब्रेड वेरी टेस्टी एंड वेरी सॉफ्ट। तो यही मेरे रिक्वेस्ट है कि ज़रा भट्टी, मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है, आइंदा अगर कराची के अंदर है, अगर मिडल ईस्ट के किसी कंट्री के अंदर है तो भट्टी जहाँ भी आपको नज़र आती है तो ये देख लें भट्टी में किस तरीके से ये बना रहे हैं, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि भट्टी क्या चीज़ है। ठीक है ना, और कंट्रियों को मैंने आपको बता ही दिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। लेकिन अब जैसे जैसे कल्चर प्रमोट होता जा रहा है तो मिडल ईस्ट के अंदर भी ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो भी बस ये बकराबड़ी चौक का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खूबसूरत होटलें भी हैं खाने पीने का। और ये एक चीज़ है, ये लियारी के अंदर दो से तीन जगहें ऐसी हैं जो 24 आवर्स इज़ द ओपन, तो उनमें एक बकराबड़ी है, कुंभारवाड़ा है, और बिहार कॉलोनी की तरफ बाखरा होटल है। ये दो चार जगहें जो है वो 24 घंटे ओपन रहती हैं। और ये दूसरी होटल है बराबर में, इस पर भी आप लोगों का टाटा देख लें, हालांकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बैठने की बिल्कुल जगह बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो आगे कुछ कलेजी वाले खड़े हुए हैं, कुछ फूड चाट वाले खड़े हुए हैं, दूसरे लोग खड़े हुए हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फूड स्ट्रीट भी है, चाय का निज़ाम भी बेहतर चल रहा है,
और रश भी आप यहाँ पर देख लें कि रोड पे चलने की जगह नहीं है, लेकिन ये कि बड़ा पीसफुल एरिया है। और देखें ये ट्रैफिक जो पीछे आ रही है, आप देखें कि गाड़ियों के चलने की जगह यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ये कि रोडों की कैपेसिटी ज़रा जो है वो काफ़ी कम है। तो अगर मैं समझता हूँ रोडों की कैपेसिटी होती तो शायद यहाँ पर जो रेड बसें चल रही हैं, ग्रीन बसें चल रही हैं, वो भी यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ज़रूर चलाती, लेकिन फिलहाल तो चीची चल सकती हैं, बाइक चल सकती हैं। तो चैनल मेरा देखते रहे, अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे, अपना और अपने इर्द गिर्द अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।